स्वागत है आप सबका मेरे इस YouTube चैनल फ्रॉम गार्डन टू किचन में। आप लोग अच्छी तरह होंगे और सर्दियों का आनंद उठा रहे होंगे। आज आपके लिए लाई हूँ मैं एक राजस्थानी स्पेशल सब्जियाँ। चीज़ें देखकर आप समझ गए होंगे, ये बन रही है कच्ची हल्दी की सब्जी, जो खाने में तो स्वादिष्ट होती है, भोजन का स्वाद भी बढ़ाती है और बहुत अधिक लाभदायक होती है। हल्दी में एक विशेष तत्व होता है करक्यूमिन, जो कैंसर से लड़ने में भी हमारी मदद करता है। और ये देखिए कच्ची हल्दी है, आजकल सब्जी बाज़ार में आपको कच्ची हल्दी खूब मिल जाएगी। और मैं 250 ग्राम हल्दी लाई थी, ये उसमें से आधी है, बल्कि शायद आधे से ज़्यादा ही होगी है। इसको हम आज कच्ची हल्दी की सब्ज़ी बनाएंगे। इसके लिए देखिए हमारे पास सामान है, ये 2 गांठ लहसुन, 2 मीडियम प्याज हैं, 1 हरी मिर्च है। और इन मसालों में से हमें चाहिए होगा सिर्फ ज़ीरा, मिर्च और धनिया, नमक। हल्दी हम नहीं डालेंगे, क्यों? हल्दी तो ये है ही। और ये सब्ज़ी सर्दियों में बहुत अच्छी लगती है सब्जी ये, और परांठे पूड़ी किसी के साथ भी खाइए, खाने के मज़े को दुगना कर देती है। इतनी चटपटी और इतना लहसुन और ये सब डल के जो स्वाद आता है मज़ेदार, उससे खाने का स्वाद बढ़ जाता है। और सबसे बड़ी बात, ये कई दिन तक ख़राब नहीं होती है। इसे आप फ्रिज में रखिए, थोड़ी सी निकालिए, उसको गर्म करें और सब्ज़ी खाने के साथ खाएं और इसका आनंद उठाएं। चटनी का सा स्वाद देगी ये, लाभ तो बहुत देगी ही, गर्म तासीर होती है इसकी। सर्दियों में खाना इसको बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। हल्दी के बाकी सारे पोषक तत्व आपको मिलेंगे, सारे औषधीय गुण हल्दी के मिलेंगे, साथ ही इन कड़ाके की सर्दियों का मुकाबला करने में भी ये आपकी मदद करेगी। तो देखिए ये है, अब मैं आपको इसके बारे में बताऊँ। इसे हम छील कर धोकर अच्छी तरह कद्दूकस कर लेंगे। लहसुन को छीलकर प्याज और हरी मिर्च, इन तीन चीज़ों का हम पेस्ट बनाएंगे, और उसके बाद जैसे सब्जी बनती है वो आप वीडियो में देखेंगे। तब तक इसकी तैयारी, ये देखिए कच्ची हल्दी की सब्जी बनाने की तैयारी हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये मैंने कद्दूकस करके तैयार कर ली है सारी हल्दी, और इसमें अदरक, लहसुन, 2 प्याज और 1 हरी मिर्च पानी डालकर इन सबको बढ़िया पीस लिया है। इतना सारा मसाला देखकर आपको अनुमान हो गया होगा कि ये सब्जी बहुत चटपटी बनने वाली है। गैस हमारी ऑन है, कढ़ाई हमारी गर्म हो रही है, और हम इसको बनाएंगे सरसों के शुद्ध तेल में, कच्ची घानी तेल में बनाएंगे, और मसाले हमारे पास ये रखे हैं। तो जब इतनी तैयारी हो गई, कढ़ाई गर्म हो गई, तो भाई अब देर किस बात की है, अब शुरू करते हैं कच्ची हल्दी की सब्जी बनाने का कार्यक्रम। और देखिए इसमें तेल डल रहा है, ये मेरे पास एक 50 ml का नाप है जिससे मैं इसमें तेल डाल रही हूँ। ये देखिए तेल थोड़ा ज़्यादा ही डलेगा, नहीं तो ये जल जाएगी, चिपक जाएगी। हालांकि जब कच्ची हल्दी को, एक बात आपको बताऊँ, इसको गलने में काफ़ी समय लगता है। ये करीब 70 ml तेल मैंने इसमें डाला है, इसको गलने में देर लगती है, भुनने में भी समय लगता है कच्ची हल्दी को। इसमें कचायन ना आए इसके लिए इसके काफ़ी भूनना पड़ता है, इसलिए हम तेल थोड़ा ज़्यादा डालेंगे। और जब सब्ज़ी बन जाएगी तब इसमें एक ख़ास चीज़ डलेगी जो इसके स्वाद को बहुत बढ़ा देगी। बस अब तेल गर्म होने के अनुसार, थोड़ा सा तेल गर्म हो जाए, और ये हमने इसमें डाला ज़ीरा, ज़ीरा चटकना चालू हो गया है, ये लीजिए ज़ीरा चटक रहा है। और इसमें हम डाल देंगे ये सारा मसाला, लेकिन सबसे पहले डालेंगे जितनी हमको लाल मिर्च डालनी है वो इसके अंदर। चटनी है, चटपटी सब्जी बनेगी, राजस्थानी भोजन अपने चटपटे स्वाद के लिए जाना जाता है। देखिए इतनी लाल मिर्च हम सबसे पहले डालेंगे, उससे क्या होने वाला है, उससे सब्जी का रंग बेहतरीन आएगा। ये डाला इसमें लाल मिर्च, और अब ये सारा मसाला, ये देखिए ये लहसुन, अदरक, प्याज, हरी मिर्ची का पेस्ट इसके अंदर। अरे वाह, खुशबू तुरंत ही आनी शुरू हो गई है भाई। ये लीजिए, जिन्होंने कभी कच्ची हल्दी की सब्जी कभी खाई है कच्ची हल्दी की, उनके मुंह में तो पानी आने लग जाएगा बहुत जल्दी। इसमें अब हम डालेंगे नमक स्वाद के अनुसार, थोड़ा सा बोलता हुआ नमक ही अच्छा लगेगा इसमें, सूखा धनिया ये इसके अंदर, और बस अब हम मसाले को अच्छी तरह से भूनेंगे। जब इसमें तेल छूट जाएगा तभी हम ये कच्ची हल्दी इसके अंदर डालेंगे। आपको पता ही है सब्जियां जितने धीरज के साथ भूनी जाएं, सीखी जाएं, बनाई जाएं, उतनी ही स्वादिष्ट बनती हैं। तो हम इंतज़ार करेंगे थोड़ी देर इस मसाले को भुन जाने का, हम इसको ढक देंगे और वेट करेंगे कि ये जाली छोड़ दें, तेल छोड़ दे, जाली बन जाए और भुन जाए। मसाला लगातार भुन रहा है, बीच बीच में गैस में कभी धीमी करती हूँ, कभी तेज़ और कभी मीडियम आंच पे।
उस हिसाब से उसको भूनना बराबर जारी है। अब देखिए तेल छोड़ना शुरू कर दिया, आप ये देख रहे हैं किनारों से तेल छोड़ रहा है, तो थोड़ी सी देर गैस धीमी करूँगी। मसाला काफ़ी भुनने में आ गया है। अब इसमें हम डालेंगे यह कच्ची हल्दी जो हमारे पास कद्दूकस की हुई है, देखिए गोल का अंदाज़ लगा लीजिए इतना है, और उसी हिसाब से मसाला भी हमारे पास है क्योंकि चटपटी सब्ज़ी अब बस बनने जा रही है, इसे हम डालेंगे। और ये ध्यान रखिए कच्ची हल्दी को गलने और भुनने में काफ़ी समय लगता है, ये झटपट बनने वाली चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक बार बनने के बाद आप इसे 10 दिन तक इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सर्दी के दिनों में तो ये बाहर भी ख़राब नहीं होती है, और फ्रिज में रख देने के बाद तो ये बहुत चलती है। बस जब खाएं तब इसे गर्म अवश्य करें क्योंकि घी जम चुका है। घी क्योंकि इसको भुनेंगे हम बाद में घी डालकर। ये लीजिए ये सारी हल्दी जो हमने कद्दूकस की थी, कच्ची हल्दी वो सब इसमें डाल दी, और अब इसकी हम करेंगे अच्छी तरह मिक्सिंग, और फिर इसे गलने के लिए इसमें ढक देंगे। ये भाप से गलेगी, पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, पानी इसी में काफ़ी छूटेगा और ये धीरे धीरे गलेगी। हल्दी को गलने में समय लगता है, और भूनना इसलिए आवश्यक है कि इसमें जो एक कच्ची सी स्मेल आती है, कचायन जिसे कहते हैं, उसके लिए इसे घी में भूनना बहुत ज़रूरी है, फिर इसका स्वाद जो आएगा उसका वर्णन में अभी तो नहीं किया जा सकता। जब आप खाएंगे आप लोग तभी जानेंगे। ये लीजिए मसाले में अच्छी तरह मिक्स हो गई है, अब मैं इसे ढक दूंगी और मीडियम आंच पे इसको पकाऊंगी जब तक ये हल्दी बिल्कुल गल ना जाए। ये लीजिए मिक्सिंग हो गई अच्छी तरीके से, और इसको ढककर धीमी गैस पर गलाया जाएगा, 10 से 15 मिनट में गल के तैयार हो जाएगी। इसको भुनते हुए इस तरह से गलते हुए लगभग 7-8 मिनट हो गए, एक बार खोल के देखा जाए भाई इसको क्या शक्ल आई है। ये किनारे से देखिए तेल छूटना थोड़ा थोड़ा शुरू हो गया है, इसका मतलब हमारी ये हल्दी भुनने के लिए अब तैयार हो रही है। जब इसे खुला भुनेंगे हम तब और ये तेल छोड़ेगी, लेकिन अब लगभग गल चुकी है। 8 से 10 मिनट मैंने आपको बताया था, 8 से 10 मिनट इसको गलने में लगेंगे। इसके अंदर स्टीम बन रही थी और ये स्टीम में गल रही थी, अभी 2 मिनट और इंतजार करेंगे। ये लीजिए जब तक ये भुने, ये भी है मेरे पास शुद्ध घी, इसके 3-4 चम्मच घी डालकर इसको हम भूनेंगे। जब ये अच्छी तरह भुन जाएगा, तेल घी सब अच्छे से छूट जाएगा, तब इसमें जो खुशबू आएगी वो बहुत ही बढ़िया होगी और खाने में बहुत स्वादिष्ट भी लगेगा। इसको फिर खोला जाए 2 मिनट बाद, मैं इसे खोल रही हूँ। ये देखिए अगर आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से कि नहीं, ये देखिए इसका घी तेल इसका अलग होना शुरू हो गया, इसका मतलब ये गल चुकी है, भुनने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो हम इसमें अब डालेंगे, ये मेरे पास शुद्ध घी है, इसमें से मैं डालूंगी इसमें 2 चम्मच शुद्ध घी। क्योंकि ये बहुत पौष्टिक सब्जी मानी जाती है और सर्दियों में ही खाई जाती है, तो घी का कोई परहेज नहीं है। और ये अब इस घी के साथ में ये भुनेगी और अपना असली स्वाद पाएगी। तो इस प्रकार इसको थोड़ी देर 4-5 मिनट खुला भुना जाएगा, यानी सब्जी को बनने में कुल कम से कम 15-20 मिनट तो लगते ही हैं। जितनी देर आपने मसाला तैयार करके मसाला भुना, उतनी देर में हल्दी को कद्दूकस करके तैयार कर लिया, उसके बाद जितनी देर में हल्दी भुनेगी अच्छी तरह गलेगी उतनी देर वेट किया, और फिर साथ के साथ घी डालकर अब इसे हम भून रहे हैं। देखिए कलर भी बहुत छाने लग गया है, खुशबू भी बढ़िया आ रही है। बस 2 मिनट की भुनाई बहुत है इसके लिए। इसका टेक्सचर बता रहा है कि सब्जी अच्छी तरह गल चुकी है, हल्दी हमारी बिल्कुल गल गई है और तैयार है। ये देखिए सब तरफ किनारों से घी जो है वो अब अलग हो रहा है और ये खाने के लिए तैयार है। 2 मिनट इस प्रकार हम इसे भूनेंगे। तो लीजिए साथियों ये कच्ची हल्दी की सब्जी अब बिल्कुल तैयार है। इसका रंग भी गुलाबी पन पे पीले से और गहरा पीला हो गया है, हालांकि हमने इसमें मसाले में सब कुछ डाला था लेकिन हल्दी नहीं डाली थी क्योंकि ये तो खुद ही हल्दी है भाई, अधिक हल्दी का क्या करना। और ये अब देखिए बिल्कुल जैसे ही मैं इसको कढ़ाई में से खिसकाती हूँ तो एकदम मसाले ने सब्जी ने तेल छोड़ दिया, यानी ये भुनकर बिल्कुल तैयार है खाने के लिए। तो इसको ज़रा टेस्ट किया जाए भाई, इसको थोड़ा सा टेस्ट करके देखा जाए। ये आ गई प्लेट में हल्दी, इसको पूड़ी परांठे किसी के भी साथ खाइए, वैसे परांठों के साथ ये बेहतरीन लगती है, कुरकुरे परांठे हों गरम गरम उनके साथ खाया जाए, वो खूब गरम है अभी। बहुत बढ़िया स्वाद है भाई, घी की खुशबू आ रही है शुद्ध घी की, चटपटी बनी है सब्जी, बस अब बनाए जाएं परांठे और गरम गरम उनके साथ खाया जाए।
तो आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और आप और कौन सी राजस्थानी डिशेज चाहती हैं, बहुत जल्दी मैं गट्टे की सब्ज़ी बनाने की विधि भी अपलोड करने वाली हूँ। तो बस आप खाते रहिए, आनंद उठाते रहिए सर्दियों का, और मेरा यूट्यूब चैनल देखते रहिए। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ।